नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान सिर दर्द को लेकर हम वीडियोस बना रहे हैं। प्रेगनेंसी में सिर दर्द को लेकर हमने पहले भी दूसरे वीडियोस आपको दिए हैं, जिसके अंदर हमने चर्चा की थी प्रेगनेंसी में सिर दर्द के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस संबंध में हमने काफ़ी विस्तृत चर्चा की है, इलाज के संबंध में भी बात की है। आज हम इस दौरान सिर दर्द होने पर कौन कौन से घरेलू उपाय हम अपना सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो दूसरे वीडियोस हमने सिर दर्द को लेकर बनाए हैं उनका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ताकि आप उसके कारण लक्षण जान सके, इलाज और डॉक्टर से मिलने की स्थिति भी समझ सके। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चर्चा करें उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रेगनेंसी के दौरान बल्कि शुरुआती समय में सिर दर्द शरीर के अंदर हार्मोनल परिवर्तन के कारण भी होता है। इस प्रकार से होने वाले दर्द में ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। आप अपने जीवन शैली को थोड़ा सा संयमित करें, सुचारू रूप से चलते रहें, आपको कुछ आराम महसूस होगा और यह धीरे धीरे सिचुएशन समाप्त हो जाती है। और भी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप आजमाएंगे तो आपको सिर दर्द में काफ़ी राहत महसूस होगी। शरीर के अंदर पानी की कमी के कारण भी सिर दर्द की समस्या नजर आती है, इसलिए आप अगर सिर दर्द की समस्या से ग्रसित हो तो आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना चाहिए। वैसे भी गर्भावस्था के दौरान हाइड्रेट रहना अत्यावश्यक होता है। प्रेगनेंसी के दौरान सिर दर्द सिर की नलिकाओं में फैलाव के कारण भी होता है, ऐसे में ठंडे पानी की सिकाई काफ़ी फायदेमंद होती है। तौलिए को ठंडे पानी में डुबाकर उसे अपने सिर पर रखें, आपको फायदा होगा। अगर आपको फायदा नजर नहीं आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके सिर में नलिकाएं सिकुड़ गई हैं, ऐसा भी होता है। कम रक्त संचरण के कारण सिर दर्द की समस्या होती है, ऐसे में गर्म पानी की सिकाई काफ़ी फायदेमंद रहती है। सिर दर्द होने पर भाप लेना अभी काफ़ी फायदेमंद रहता है। एक बर्तन में पानी को गर्म कीजिए, जब उसमें भाप निकलने लगे तो एक तौलिया अपने सिर पर डालकर कुछ देर आप अपने सांसों के द्वारा भाप लीजिए, यह भी दर्द में फायदेमंद होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को आराम करने की आवश्यकता होती है, ऐसे में थकान और तनाव के कारण भी सिर दर्द की समस्या होती है, इसलिए आराम आवश्यक मात्रा में करना आवश्यक है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं अगर पसीने में आ जाती हैं तो उसके तुरंत बाद एसी में या पंखे में बैठने से बचना चाहिए, सर्दी गर्मी की वजह से भी सिर दर्द की समस्या हो जाती है। सिर दर्द के दौरान सिर पर मसाज लेना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। मसाज कैसे लेना यह आप अपने एक्सपर्ट से जान सकते हैं, डॉक्टर से संबंध में बात कर सकते हैं। कभी कभी नींद लेने पर भी सिर दर्द की समस्या में काफ़ी आराम मिल जाता है। अगर सिर दर्द की समस्या नज़र आ रही है तो महिला स्नान कर सकती है, इससे भी सिर दर्द में आराम मिलता है। कभी कभी जुकाम होने की वजह से सिर दर्द नज़र आने लगता है, क्योंकि सही प्रकार से नींद नहीं आने के कारण सिर दर्द हो जाता है। आप जुकाम संबंधी घरेलू उपाय या डॉक्टर से मिलें, जुकाम को दूर करें, आपके सिर दर्द में आराम मिलेगा। अदरक माइग्रेन जैसी समस्याओं में काफ़ी फायदेमंद होता है। अदरक चबाने से सिर दर्द को आराम मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा अदरक नहीं खाना चाहिए। अक्सर महिलाओं को गर्मी के समय में बाहर निकलना पड़ता है तो सिर दर्द की समस्या गर्मी के कारण भी हो जाती है। ऐसे में सिर ढककर निकले, छतरी ले जाए, हो सके तो गर्मी में बाहर ही ना निकले, आखिर प्रेगनेंसी में इतना तो आपको करना ही चाहिए। शरीर में लो ब्लड शुगर हो जाने की वजह से भी सिर दर्द की समस्या नज़र आती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद खाती रहें। अगर आपको लो ब्लड शुगर के कारण सिर दर्द की समस्या तो आपको आराम मिलेगा। लेवेंडर के तेल से सिर की मालिश करने से भी सिर दर्द की समस्या में आराम मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि महिला चाय और कॉफ़ी का सेवन काफ़ी ज़्यादा करती है, अचानक से प्रेगनेंसी हो जाने पर चाय कॉफ़ी छोड़ देती हैं, तो इस वजह से भी कभी कभी सिर दर्द की समस्या नज़र आ सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर से पूछकर उपाय कर सकती हैं। वैसे इस प्रकार के दर्द धीरे धीरे अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। अगर महिला तुलसी के तेल की मालिश करती है, यह भी सिर दर्द में काफ़ी फायदेमंद रहता है। दूध के अंदर थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर डालकर इसे उबाल लें, हल्का ठंडा होने पर इसे पीने से भी सिर दर्द में राहत मिलती है। सिर दर्द में राहत पाने के लिए महिलाएं एक गिलास पानी के अंदर 2 चम्मच सेब का सिरका और 2 चम्मच शहद मिलाकर पीती हैं तो राहत मिलती है। कभी कभी कैफीन की अधिक मात्रा भी सिर दर्द का कारण बनती है, तो अपने भोजन में आप इस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने से बचें जिनके अंदर कैफीन ज़्यादा होती है, इसमें चॉकलेट भी है। प्रेगनेंसी के शुरुआती समय में अगर महिला किसी भी कारण से अधिक झुकती है तो इस वजह से भी सिर दर्द की समस्या हो सकती है। जिन महिलाओं को सिर दर्द की समस्या है उन्हें तेज गंध से दूर रहना चाहिए। महिलाओं को
अपने उठने बैठने की मुद्राओं को भी सही रखना चाहिए। महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले योगा किसी एक्सपर्ट के सानिध्य में करने चाहिए, इससे भी सर दर्द में राहत मिलती है। शरीर की सभी प्रक्रियाएं रक्तसंचरण सुचारू रूप से चलता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अल्कोहल और धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और अधिक शोर वाले स्थानों पर भी जाने से बचना चाहिए, यह भी सर दर्द का कारण होते हैं। दोस्तों और भी बहुत से छोटे और घरेलू उपाय प्रेगनेंसी के दौरान सिर दर्द की समस्या को दूर करने के लिए हो सकते हैं, जो कि अलग अलग समाज में वर्षों से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगर वे प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगातार दर्द की शिकायत बनी हुई है, लगातार दर्द बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ दूसरे प्रकार के सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, तो आपको तुरंत खासकर प्रेगनेंसी के समय चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।